अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम एक मोड़ पे पहुँचे जहाँ से सीधी रोड जा रही है दरकोट और हम दाएं मुड़ रहे हैं लालक जान शहीद के मज़ार की तरफ। ये लालक जान शहीद के मज़ार की तरफ हम मुड़ गए। ये सामने लालक जान मज़ार का गेट नज़र आ रहा है। हम पहुंच गए हैं लालक जान शहीद के मज़ार तक। ये सामने मज़ार का गेट नज़र आ रहा है। यहाँ साए में गाड़ी पार्क करेंगे, फिर हम फातिहा खानी के लिए अंदर जाएंगे। ये लालक जान शहीद मज़ार पर हम पहुंच गए हैं। ये जनाब हम मज़ार पर पहुंच गए हैं। माशाल्लाह जी सारे 10 दोस्त इधर मौजूद हैं और 11वां मैं हूँ। ये हमारे चीफ साहब हैं जी, काजी ताहिर हबीब साहब। ये हैं जी हमारे प्रेसिडेंट नुसरत इकबाल काजी साहब, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब जफर हबीब काजी साहब। ये जनाब इस सबका टूरिस्ट क्लब की जान रूए रवां जनाब, आप समझ तो गए ही होंगे, बहरहाल नाम मैं बता ही देता हूँ। आफ्ताब अहमद अब्बासी साहब हैं जनाब। ये हनीफ साहब हैं जनाब, वहाँ फैक्ट्री से तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। मिर्ज़ा शबीर साहब जनाब मुगल से माशाल्लाह। गुलाम मुर्तज़ा साहब जनाब वेलकम जी बाबू जी। ये जनाब अपने सब कुछ अज़र मुमताज़ काजी साहब जी। ये डॉक्टर जायद हमीद साहब, आप साहब को सलाम कह रहे हैं। अब्दुल कयूम खान साहब, और बोलो। ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहते हैं चौहान साहब की तरफ से, कि उनकी जो है ना वीडियो बनाई जाए और बिल्कुल जो है ना फोकस रखा जाए उनको, और इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। बाकी टीम का तारफ आपसे हो चुका है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, चलें मज़ार के अंदर तशरीफ ले चलें। अब हम मज़ार के अंदर जा रहे हैं जी। ये हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर यासीन वैली में, गिलगित यासीन वैली में इनका ये मज़ार है, और ये इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है जो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, जिनकी बदौलत इनको ये निशान हैदर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा जी एजाज मिला। ये उनका मज़ार है, हम इंशाल्लाह अब इस पर हाजिरी देंगे और फातिहा खानी करेंगे। ये 12 NLI बटालियन का तारफ है। ये सारा आर्मी के जो इसमें लोग मौजूद थे, जहाँ जहाँ वो शहीद हुए हैं उनकी ये फहरिस्त दी हुई है, ये भी और इस साइड पे भी 12 NLI बटालियन। ये मज़ार है जी हवलदार लालक जान शहीद। ये वो इस धरती का सपूत है जिसने कारगिल की जंग में शहादत का रुतबा हासिल किया और निशाने हैदर हासिल किया।